हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल द शुभ टिप्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज का वीडियो होने वाला है एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सीरम के बारे में। गाइज, मैं एक सीरम अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, उसका रिव्यू आपको दूंगी, एंड एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सो गाइज, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ये है ग्रेजिया आपका ब्राइटनिंग फेस सीरम। सो गाइज, इस फेस सीरम के साथ ना मैं ग्रेजिया आपका ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। गाइज, इस फेस सीरम की बात करें तो एक ब्राइटनिंग फेस सीरम है, एंड ये हर हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, लाइक उनसे फ्री है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी SLS, कोई भी सिलिकॉन्स, कोई भी लाइक आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं जैसे पैराबेंस, ये सब कुछ चीज़ें नहीं यूज़ की गई हैं। क्वालिटी फ्री एक प्रोडक्ट है, एनिमल्स पर टेस्टेड नहीं है, एंड गाइस ये 100% वीगन है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस सीरम की लगी, इसके इंग्रेडिएंट्स। गाइस, ट्रस्ट मी, इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें विटामिन सी, हियालुरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड तीनों यूज़ किए गए हैं। मैंने अपने पहले वीडियोस में बोला है कि हर तरह के जो सीरम्स होते हैं उनके अपने बेनिफिट्स होते हैं, लाइक हर इंग्रेडिएंट का अपना एक बेनिफिट होता है। बट जो विटामिन सी और हियालुरोनिक एसिड होता है, अगर इनको साथ ही यूज़ किया जाए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपका हियालुरोनिक एसिड होता है वो आपके जो विटामिन सी के बेनिफिट्स होते हैं ना, उनको ट्रैप्ड कर देता है आपकी स्किन में। तो गाइस, वो दोनों ही इसमें हैं, साथ ही में इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो एक एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। एक बार आपको मैं इंग्रेडिएंट्स का लाइक डिवीजन बता दूं, तो गाइस इसमें 20% विटामिन सी यूज़ किया गया है, ग्लाइकोलिक एसिड इसमें 8% है, एंड हियालुरोनिक एसिड इसमें 2% यूज़ किया गया है। तो गाइस, इंग्रेडिएंट वाइज बहुत अच्छा फेस सीरम है। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो गाइस इस तरह की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ था। आउटर पैकेजिंग इस तरह की थी, इसके ऊपर भी एक लाइक पॉली पैक था, एंड अंदर इस तरह का ड्रॉपर फॉर्म में है, विच इज़ वेरी गुड फॉर सीरम्स। मुझे अपने सीरम्स इसी तरह से पसंद आते हैं, बिकॉज बहुत कन्वीनियंट होता है इनको यूज़ करना। गाइज, अंदर जो पैकेजिंग है ना, उस पर भी सब कुछ मेंशन है, लाइक आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब कुछ है उस पर। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला बॉक्स संभाल के रखो। तो अंदर पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं है, जिस वजह से कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइक सन के कॉन्टैक्ट में आने में दिक्कत होगी या कुछ भी। तो पैकेजिंग वाइज आई एम वेरी सेटिस्फाइड, एंड इस तरह से ये इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हो, ना ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है, जिस तरह से सीरम्स का नॉर्मल टेक्सचर होता है वो है इसका। एंड गाइज, अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो आपको 1299 में ये प्रोडक्ट मिलता है। जो आपको क्वांटिटी मिलती है दैट इज़ 30 ml, एंड आपको 36 मंथ्स की शेल्फ लाइफ इसके साथ मिल जाएगी। सो गाइज, ये सीरम हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, इनफैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। रिंकल्स अगर आपको हैं तो आप ज़रूर ये फेस सीरम ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। आपकी स्किन में ना कोलाजन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्प स्मूथ फील करती है। सो गाइज, अब एक बार इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कितनी ईजिली स्किन में पेनिट्रेट होता है, बहुत अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होता है। ओवर यूसेज आपको सीरम्स का नहीं करना चाहिए, मैंने अपने वीडियोस में बोला है दैट आपको इसके हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स लगाने होते हैं, एंड दैट आर इनफ, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। बहुत अच्छा टेक्सचर है, बहुत ईजिली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको इसके साथ ओवर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो, बहुत ईजिली स्किन में अब्जॉर्ब होगा, बहुत कम प्रोडक्ट आपका लगता है, एंड बहुत अच्छे से काम करता है। सो गाइस, एक बार मैं आपको इसका टेक्सचर ना हाथ पर भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से ये स्किन में अब्सॉर्ब होता है, देख रहे हो। एंड गाइस, इसको आप यूज़ दो बार कर सकते हो दिन में। मैं मोस्टली अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करना पसंद करती हूँ, मैं विटामिन सी डे में नहीं लगाती हूँ, ये कारण है, इसलिए मैं इसको मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन में नहीं यूज़ कर सकती हूँ करती हूँ। बट आप कर सकते हो दिन में दो बार इसका यूसेज, ठीक है यूज़ करना इसको, बट मैं पर्सनली इसको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। सो यस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत अच्छा सीरम है, एंड ओवरऑल एक पैकेज है सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का। गाइज, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, टिल देन बाय।